जहां आज ईरान में 99%, सऊदी अरब में 97%, पाकिस्तान में 96% और इराक में 95% मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया, जिसमें सिर्फ 87.7% मुस्लिम आबादी है, आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन इंडोनेशिया हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडोनेशिया 14वीं शताब्दी तक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडोनेशिया 16वीं शताब्दी आते आते हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साए से निकलकर इस्लाम को मानने? क्या इसके पीछे अरब देशों की कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है रिलीजियस एक्सपेंशन को लेकर, या फिर वहाँ ईरान की तरह जीत कर वहाँ इस्लाम फैलाया गया, या फिर वहाँ इराक की तरह अरब के लोगों ने सिटीज बनाई? मगर इंडोनेशिया की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इंडोनेशिया के इतने बड़े मुस्लिम राष्ट्र बनने की कहानी को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इंडोनेशिया में इस्लाम के आने से पहले वहाँ मेजोरिटी हिंदूज और बुद्धिस्ट रहते थे, और आज इंडोनेशिया में हिंदुइज्म को मानने वाले मेजोरिटी से माइनॉरिटी बन गए हैं। केवल 1.7% गिनती पर आकर मानो उनकी तादाद नहीं बढ़ रही। और अगर बात करें बुद्धिज्म की तो इसकी संख्या तो और भी ज्यादा कम है, 1.2% तक ही ये सीमित है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले वहाँ पहुँचा था बुद्धिज्म। हमारे ही भारत से बुद्धिस्ट साल 100 से 200 ईस्वी में वहाँ पहुँचे थे, और इन्होंने अपने शिष्यों के साथ 7वीं सदी तक बुद्धिज्म को जोरों शोरों से फैलाया। इन्हीं मानने वालों में से एक थे राजा श्री विजया, जिनका राज्य बुद्धिज्म को फैलाने का एक अहम सेंटर बन गया था। लेकिन इनका राज्य ही केवल बुद्धिज्म को अपनाने वाला अकेला राज्य नहीं था। साल 750 ईस्वी में सिलेंद्रा डायनेस्टी, जो इंडोनेशिया के जावा इलाके में थी, और उसके राजा सिलेंद्रा भी बुद्धिज्म को ही मानते थे। और इन्हीं सभी राजाओं की देखरेख में अगले 250 सालों तक बुद्धिज्म को फलने और फूलने का काफी समय मिल गया। फिर समय ने करवट बदली और साल 1025 ईस्वी में भारत की धरती पर उभर कर आया एक नया राजा, जिसने अपने राज्य के फैलाने के बीच में आने वाली समुद्र जैसी परेशानियों को भी खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं चोला डायनेस्टी के किंग राजेंद्र बन की। इन्होंने इतिहास को बदलते हुए नेवी यानी नौसेना का गठन किया, और इनकी नौसेना समुद्र पार दूसरे राज्यों पर भी आक्रमण करने की क्षमता रखती थी। और ऐसा ही कर इन्होंने पालम बेग को जीत कर श्री विजया एम्पायर पर हमला कर 14 पोर्ट्स पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद सन 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक वहाँ चोला एम्पायर ने राज किया। इनके राज्य में पति की चिता के साथ पत्नी को भी सती करने की प्रथा चली आ रही थी। इन्हीं सभी प्रथाओं और रीति रिवाजों के बीच इंडोनेशिया के लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे, और उनकी जिंदगी काफी आम चल रही थी। पर इनकी जिंदगी में तूफान लेकर आए वो लोग, जिनका सपना था इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराते हुए देखना। लेकिन आखिर कौन थे ये लोग? इस बात को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे झांकना पड़े। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि सन 700 ईस्वी में इस्लाम अरब जैसी कंट्री में जन्म ले चुका था, और 800 ईस्वी आते आते इस्लाम के मानने वाले इस्लाम की तालीम को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में निकल चुके थे, क्योंकि इस्लाम एक मिशनरी धर्म है और मिशनरी धर्म में क्रिश्चियनिटी भी शामिल है। उनका मिशन होता है कि वो अपने धर्म को दुनिया में फैलाएं। लेकिन अरब भले ही इस्लाम को जन्म देने वाला देश क्यों ना हो, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में इस्लाम अरब ने नहीं या किसी दूसरे इस्लामिक देश ने नहीं, बल्कि हमारे ही हिंदुस्तान ने पहुंचाया था। बिल्कुल आपने सही सुना, हिंदुस्तान का गुजरात सदियों से अपने व्यापार के लिए जाना जाता है, और इसी गुजरात से वो मुस्लिम ट्रेडर्स जो अरब देशों से आए थे, वो गुजरात से इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड जावा कलिमंतन में पहुंचे, जिसके बाद सन 1500 ईस्वी आते आते इस्लाम रिलीजन वहाँ पर काफी फलने फूलने लगा। मतलब व्यापार तो भरपूर ये लोग कर रहे थे, उसके साथ ही इंडोनेशिया में इस्लाम भी बढ़ रहा था। इनका कारवां वहीं पर नहीं रुका, इन्होंने वहाँ के किंगडम जैसे गोवा सल्तनत जो इंडोनेशिया के सुलावेसी में था, टेरनेट एंड टिडोर जो मलुका में थे, और लम्बोक के ईस्ट पार्ट तक इस्लाम को बढ़ा दिया। इसके अलावा इंडोनेशिया के बेंजरमासिन, पालमबेंग, मिंगांग, कबाऊ, पसाई और पलेत तक भी इस्लाम को बढ़ाया। और इसी तरह इस्लाम रिलीजन दिन ब दिन अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया। और इन हालातों में सोने पर सुहागा किया उन मुस्लिम्स ने जो चाइना से थे। चाइना का एक एडमिरल जिनका नाम था चेंग हो, उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अपनी पूरी मदद दी थी। लेकिन इंडोनेशिया में इस्लाम के आने का ट्रेडिंग ही रीजन था। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेडर बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रोपोगेटर या मिशनरी नहीं होते। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ट्रेडर्स इसी रास्ते का इस्तेमाल करके इंडिया पाकिस्तान से इस्लाम और दूसरे देशों के सूफीज्म में विश्वास रखने वाले लोग इंडोनेशिया में पहुंचे थे, जिसका सबूत है मिस्टिक बरेलवी सेक्ट, जो कि एक इस्लामिक ट्रेडिशन है जो आज भी हमें इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और कुछ इसी तरह से यमन से इंडोनेशिया पहुंचने वालों में आज वहां की हदरामी अरब कम्युनिटी का नाम भी शामिल है, जिसने इंडोनेशिया पहुंचकर वहां इस्लाम फैलाया। और अब उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, क्या कोई राजनीतिक चाल है, या फिर इंडोनेशिया को अंदर ही अंदर जीत लिया गया, या फिर मुस्लिम्स ने अपने शहर बनाना शुरू किए।
और जैसे मैंने बताया यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के इंडोनेशिया में फैलने की वजह इंडोनेशिया के लोगों की गरीबी है और उन्हें मिलने वाले कम विशेष अधिकार और सबसे बड़ी चीज उन्हें ना मिलने वाली सिक्योरिटी। क्योंकि अगर वहाँ के लोग इस्लाम को खुद ब खुद नहीं अपनाते तो शायद वहाँ रहने वाले लोगों को मौत का सामना करना पड़ता। इंडोनेशिया में पहले कदम रखने वाले हिंदू और बुद्धिस्ट राजाओं ने इन धर्मों को बहुत फैलाया था, लेकिन उन लोगों के मुताबिक उन्हें इन लोगों ने गरीबी के अलावा कुछ और नहीं दिया और वो लोग हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर को कोई ट्रिब्यूट नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल रिलेशन मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों से बनाए। और यही कारण था जब इस्लाम के प्रचारक इंडोनेशिया में आए तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि लोग उनसे पहले ही खुश थे और उन्होंने इसी रिलीजन को आसानी से अपना लिया, क्योंकि इस्लाम ने उन्हें वो चीजें दी और वो अधिकार दिए जो शायद उन्हें दूसरे रिलीजन को फॉलो करके नहीं मिले थे। लेकिन इन सबके अलावा एक कारण और भी था कि अगर वो लोग इस्लाम को नहीं अपनाते तो उन्हें शायद अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि उनका मानना था कि उनके साथ पुराने राजाओं ने ठीक नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपना धर्म छोड़ना ही ठीक लगा। लेकिन इंडोनेशिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने पुराने रीति रिवाजों और धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने धर्म छोड़ने के बजाय उस जगह को ही छोड़ दिया और वो लोग बाली आइलैंड पर जा बसे, जहां आज भी वो लोग हैं जो हिंदुइज्म को मानते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में तब्दील हो गई। तो आपने देखा यहां पर कोई भी किसी तरह की साजिश या जबरन इस्लाम नहीं कबूल करवाया गया था, बल्कि उन लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम को अपनाया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।